नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी स्थित यूको बैंक में दिन दहाड़े करीब 3.35 में हथियार के दम पर 10 लाख की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। इस घटना के संबंध में बैंक प्रबंधक शेखर यादव ने बताया कि 10 की संख्या में हथियार से लैस नकाबपोश बैंक परिसर में घुसकर बैंक के गार्ड को कब्जे में लिए और पिस्टल सटाकर केस काउंटर से लगभग 10 लाख रुपए लूट लिए और सभी फरार हो गए। घटना की सूचना सरिया पुलिस को दी गई। मौके पर सरिया पुलिस पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू किए। इसके बाद पहले हमको पकड़े और माथा में पिस्तौल लगा दिए और बोले हिलना नहीं तो पूरा मुंडी गाड़ी पर बैठा दिए। जब तक नहीं निकला तब तक हम लोग फिर उधर घुसा दिए और रूम से जब भाग भाग गए तब हम लोग कितने बजे 3:35 होता होगा। हम लोग सभी काम कर रहे थे और कस्टमर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ था कस्टमर का, तो अचानक से चार आदमी और दो बाहर खड़े रहे। तो चार आदमी आए, उसमें से दो जो थे उसमें पिस्टल था और दो के पास धारदार चाकू भी था। आग के पहले जो अपना झारखंड पुलिस से जो एक गार्ड है वो यहाँ बैठे हुए थे, उनको पहले पकड़ करके और गर्दन से दबोच करके उनको दबोच दिया दो आदमी मिलकर। उसके बाद अपने पियोन को जा करके दो थप्पड़ मारा। दो थप्पड़ मारने के बाद फिर वो कैश काउंटर में गए, वहाँ पर रिवॉल्वर दिखाए और रिवॉल्वर दिखाने के बाद जो है सारे कैश को वहाँ से समेटने के बाद वो एक आदमी यहाँ अंदर आए हैं। जैसे मैं हल्ला को देखा, मैं जैसे कैबिन से बाहर जा ही रहा था तब तक एक आदमी आ गया और मुझको भी यहाँ पर दबोच लिया। और दबोचने के बाद फिर वो क्या किया कि जबरदस्ती उनका चाबी छीना। चाबी छीनने के बाद कैश को खोला, रिवॉल्वर लगा करके जो भी कैश था वो सब कैश को लेके चले गए, लगभग 9 से 10 लाख। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, सरिया।